हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका स्वागत है फूडी गीत के चैनल में। और सबसे पहले आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड राइस, जो हर किसी की पसंद होते हैं और हर कोई चाहते हैं कि हम बना लें, है ना, जल्दी जल्दी घर में बना लें। बहुत इजी रेसिपी होती है, आपके पास अगर बचे हुए चावल भी हो तो भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमने ये कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। ज़्यादा फ्राइड राइस बना रही हूँ तो 2 स्पून डाल दूँगी आज के लिए, चीट डाइट कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ये हल्का सा गर्म होता है, हम इसमें हल्का सा जीरा डालेंगे, ज़्यादा जीरा नहीं डालेंगे, हल्का सा डालेंगे। चल डाल ही देते हैं, जीरा तो हमेशा अच्छा ही लगता है। तो हमारे बन रही है गार्लिक फ्राइड राइस। तो हमने इसमें लिया है, हमारे पास है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भर भर के हमने डाल के, थोड़ा दूर से डालना, कभी आप लोगों को भी तीखे तीखे लग जाए। थोड़ा सा कम कर लेती हूँ मैं। जब तक ये हमारे सोते हो रहे, मैं आपको वेजिटेबल्स दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिए मशरूम, बीन्स, कैप्सिकम, अनियन और टोमेटो, वो खीरे बाद के लिए। और ये मैंने धनिया चॉप करके रख लिया बिल्कुल अच्छे से, मिर्च भी मैंने डाल दी है, थोड़ी एक्स्ट्रा चॉप हो गई थी। तब तक मैं वेट कर रही हूँ जल्दी जल्दी मेरे गार्लिक शेजवान फ्राइड राइस। शेजवान भी डालेंगे हम इसमें जल्दी जल्दी। सो मैं और सब्जियाँ डाल लेती हूँ क्योंकि हमारे वो जो है सोते हो गए। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अनियन। अरे यार, बीच में ना गार्लिक चॉप हो गए, कुकुम्बर, तो हम ये सारा कुछ डाल देंगे। तो अब हम अपने मशरूम और बीन्स भी डाल देते हैं। ये देखो कितने फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, इनको और अब आराम से मैं करूँगी सोते। क्योंकि फ्राइड राइस जो होते हैं खिले खिले होते हैं, इसलिए पहले कभी भी नमक मत डालना, इसलिए क्योंकि सब्जियां जो है वेजिटेबल्स हमारे पानी छोड़ जाती हैं, इसलिए मैं भी नमक लास्ट में डालूंगी। हमारी वेजीज हो चुकी है सोते, तो चलो मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। उसके बाद हमारे शेजवान फ्राइड राइस है तो मैंने डाल दिया शेजवान। ये देखो कैमरा मैन लेट हो गया। और ये मेरे पास एक मसाला पड़ा है जो कि तीखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये अलग सा ही टेस्ट देने के लिए। हल्का सा मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, अलग ही टेस्ट आता है इससे भी। अब और ये मैंने लिया डाबर का होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा डाल देती हूँ क्योंकि मेरे को अलग से फ्लेवर अच्छा लगता है इसका, है ना। पहले थोड़े से डाल दिए थे इसलिए ज़्यादा नहीं डालूंगी। अब इसको आराम से मिक्स कर लेते हैं। हमने नमक नहीं डाला है क्योंकि नमक से सब्जियाँ पानी छोड़ जाती हैं, वो हम डालेंगे लास्ट में। अब बस हल्का से इनको मिलाने के बाद हम अपने राइस डाल देंगे। तो ये जो राइस है हमने बॉईल करके ऐसे ठंडे पानी में छोड़ दिए थे ऐसे सूखने के लिए इनको, और ये देखो कितने खिले खिले हो रहे हैं। बासमती राइस लिया है यहाँ पे मैंने, तो अब हम ये इसमें डाल देते हैं। ये देखो एक मिनट यहाँ से दिखाती हूँ, वाओ देखो कितने खिले खिले हैं। अब ये हमारा, तो ये हमने कर दिया अपने सारे वेजिटेबल्स को इसमें मिक्स। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे फ्राइड राइस, बिल्कुल फाइन चॉप वेजिटेबल्स के साथ, कलर भी बहुत प्यारा है। अभी से रुका नहीं जा रहा, खाने का मन कर रहा है। अब लास्ट में जो है हम अपने नमक डालेंगे, बिल्कुल लास्ट में डालना ही है हमने। और इसको बस 20-30 सेकंड चलाना है और हम सर्व कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो ये अब हम अपना निकाल लेते हैं फ्राइड राइस को। तो चलो अब गार्निशिंग कर लेते हैं। ये मैंने रख दिया साइड में अनियन, अनियन के बिना तो कोई मजा ही नहीं आता। और ये हमने फाइनली चॉप्ड अपना गार्लिक ये डाल रखा था, धनिया,
ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं खाने बैठ गई और नींबू निचोड़ना तो भूल ही गई थी, इसके बिना क्या मजा आएगा, तो इसलिए फटाफट से बहुत सारा हम जो है नींबू डाल लेते हैं ताकि टेस्ट जो है हमारा एनहेंस हो जाए। और ये जो है मैं गन्ने का जूस भी पैक करवा के ले आई थी, अब फटाफट से इसको भी डालती हूँ और साथ साथ पीऊंगी हल्दी हल्दी। और हाँ गाइज, मेरा जो है ये फर्स्ट वीडियो है कुकिंग वाला, अगर आप ऐसे सपोर्ट करोगे तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगी प्यारी प्यारी सी और ज्यादा, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। खा लेती हूँ मैं।